मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब फिट फाट होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 15 चैप्टर, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्थ अमेरिका ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़े थे। इसमें हमने जो साउथ अमेरिका था उसके लोकेशन, एक्सपेंशन और उसके क्या पढ़े थे, सरफेस पढ़ा था, है ना। उसके बाद उसके सेंट्रल प्लेन्स और क्लाइमेट के बारे में हमने जाना था। आज हम वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 144 निकाल लीजिए। उस पे टॉपिक है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। साउथ अमेरिका इज अ वेरी रिच कॉन्टिनेंट विथ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो वनों और जो जीव, वेजिटेशन मतलब होता है वनस्पति और वाइल्ड लाइफ मतलब होता है जीव जंतु, है ना। तो साउथ अमेरिका जो जीव जंतु हैं और जो वन है उसकी वैरायटी की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत ही समृद्ध महाद्वीप है, बहुत ही अच्छा महाद्वीप है। यहाँ जो अमेजन बेसिन है ना, वो संसार के सबसे बड़ा क्या है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। अमेजन नदी की जो अमेजन बेस जो है उसमें उसमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है और वहाँ पर कैरिड्स रेन इन फुल ऑफ द हॉट वेजिटेशन फॉरेस्ट, और हमेशा वहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। दिस रीजन इज देयर फॉर कवर्ड विद द क्वाड्रेटरियल रेन फॉरेस्ट लोकली नोन एज एज द सेल्वास, ठीक है। इस यहाँ पर सेल्वास जो है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की जो जलवायु है अमेजन नदी की घाटी में, जो उष्ण हॉट गर्म जिसको बोलते हैं और आर्द्र हुमिड जलवायु क्लाइमेट और जो वर्षा है उसकी अधिकता के कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें हम सेल्वास वन भी कहते हैं। इन वनों में लगभग 4,400 प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण भूमि थोड़ी दलदली हो जाती है और वन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ जो आने जाने के साधन हैं उनका विकास बहुत ही कम है। यहाँ पे आने जाने के साधन ज़्यादा नहीं है, इस कारण है ना मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ वनों का उपयोग जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। वन का जो लकड़ियाँ हैं या वन है उसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, है ना। अब यहाँ पे जो सेल्वास फॉरेस्ट है उसके उसमें रबर, है ना, रबर, हार्डवुड, फिर हिलीवा, फिर है कैस्टी लोआ, सिकोना सिकोना, फिर रोजवुड और डेट, है ना, आदि के जो वृक्ष हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो रबर है, रबर के वृक्ष के दूध से रबर बनाई जाती है। सिनकोना से कुनेन और कार्नोवा कार्नोवा ताड़ वृक्ष से जो मोम होती है, वैक्स होती है, वो बनाई जाती है। ये जो कठोर लकड़ी है उनके वनों में लैसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। जो ये फॉरेस्ट है इसमें नदियाँ जो है लगभग 2,500 2,000 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। वनों में जो फॉरेस्ट है उनमें 1,015 प्रजातियाँ पक्षी प्रजाति के पक्षी इन जंगलों में मिलते हैं। उसके बाद जो गैलोस गैलिस पेकास नाम का कछुआ, है ना, कछुआ जो है वो समुद्र किनारे मिलता है। जो टू टर्टल बोलते हैं ना उसको, कछुए को, तो वो मिलता है और इसका वेट 272 किलोग्राम वजन का ये कछुआ होता है। यहाँ पर जो जो है मकड़ा बंदर, है ना, मकड़ा मंकी जो है और गिलहरी विशेष किस्म के होते हैं। उसके बाद जो केनाकोड़ा नाम अजगर 10 मीटर
10 मीटर लंबा के लंबे तक के होते, 10 मीटर की लंबाई इनकी होती है। दलदली जो हिरण होता है ना, मार्शी डियर जो होता है, हिरण जो होता है वो मिलता है। दराई घोड़े मिलते हैं, और चिंपैंजी और मगरमच्छ यहाँ पर विशेष जानवर पाए जाते हैं। अमेजन के साउथ में, अमेजन के साउथर्न साइड में कम वर्षा के कारण सवाना प्रकार के लंबी घास के मैदान हैं, सवाना टाइप के लॉन्ग ग्रास मिलती है। नॉर्थ में ओरिनोको नदी जो बेसिन है ना, उसमें पाए जाने वाले घास के मैदान में लानोस, और साउथ ब्राज़ील के सेंट्रल भाग में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। जो नॉर्थ अर्जेंटानिया और जो वेस्ट पराग्वे के निचले जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, उसमें समर वेकेशन में, समर जो आती है, समर गर्मियों के दिन जब आते हैं है ना, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण वन जो है बहुत घने हो जाते हैं और बहुत सारी घास उग जाती है। इन्हें ग्रान नाचको कहा जाता है। ठीक है, इस घास के मैदानों में जो पशु पालन और भेड़ भेड़ जो है वो अच्छे से पाली जाती है। यहाँ की चींटियाँ खाने वाला विचित्र प्राणी एंट ईटर प्रसिद्ध है। यहाँ पर वो चींटियाँ खाता है। यहाँ प्यूमा और जेकुआर जैसे खतरनाक जानवर भी मिलते हैं। यहीं केडोर नामक संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी भी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? केडोर ना, केडोर। उसके बाद जो साउथ है, साउथर्न पार्ट जो पेरू का है ना, और जो नॉर्थ चिली, उसमें जो है हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप के जो नागफनी और जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं, और जो सेंट्रल चिली है उसके जो भूमध्य सागर है ना, उसके जलवायु क्षेत्र में सदाबहार वन मिलते हैं, जंगल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन वृक्षों की पत्तियाँ मोटी होती है और चिकनी होती हैं, और जो समर ऋतु आती है उसमें वे नहीं सूखते हैं। जैसे ओक, अक्रोट है ना, ये सब चीज़ें, और जो अंजीर है, रसदार फलों के वृक्ष यहाँ पर अधिक मिलते हैं। ठीक है, ये ओक और ये सब चीज़ यहाँ पर मिलती है। टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थर्न ब्राज़ील लाइज द रीजन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। दक्षिण में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसके मैदान में, साउथ में शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ये मैदान कैसे होते हैं? ये मैदान जो है पशुपालन और कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं, और पंपास में, जो पंपास के साउथर्न और एंडीज जो माउंटेन है उसके वेस्ट क्षेत्र में जो है पैटेगोनी या और का जो है शिशुन्तम मरुस्थल है, डेजर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुष्क रहता है, इसके कारण वहाँ के जो वेजिटेशन है और जो जीव जंतु है उसका बहुत ही अभाव है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। चलिए अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।